subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी पानी भरेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। अब देखते हैं कि मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है या नहीं। ये अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्रेन करके फिर मैक्रोनी का मसाला बनाएंगे। सो अब हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी का मसाला। उसके लिए हमें चाहिए रिफाइंड, हम अपने अकॉर्डिंग रिफाइंड ले सकते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अनियंस, चॉप्ड अनियंस। इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। हम इसको अच्छे से स्टिर करते रहेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आता। अनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम्स। इसको हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। कैप्सिकम थोड़ी सी रोस्ट की है हमने। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्न्स। ये ज़रूरी नहीं है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पनीर। ये भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम नमक थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि आगे हमने सॉसेज डालनी है, उसमें ऑलरेडी होता है। थोड़ी सी रेड चिली।
अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड उसके बाद हम डालेंगे सॉसेस। सारी वेजेस कॉर्न्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले हम डाल रहे हैं सोया सॉस। ये ज़रूरी नहीं है बट डाल के अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे विनेगर। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं टॉप्स का विनेगर। इसके बाद हम डालेंगे टोमेटो सॉस। सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे। अब हम डालेंगे इसमें बॉईल करी हुई मैक्रोनी जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई है। अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हेलो गाइस, कितने लगे तो वीडियो लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो शेयर करना ना भूलना।